Hello, students, welcome all of you. In this video, I am going to discuss a very, very important topic which is particle in a box in quantum mechanics for BSc Part 3 physics honors and physics general courses for all universities. Now, we have to discuss particle in a box. Suppose a particle is restricted to move in one dimension within ए सर्टेन रीजन बिटवीन एक्स इज्कल टू जीरो टू एक्स इजकल टू एल लेट टू वाल्स टू इम्पेनेट्रेबल वाल्व्स ऑफ इंफाइनाइट हाइट एट एक्स इज्कल टू जीरो एंड एक्स इजकल टू एल एक्स इजक्ल टू जीरो एक्स टू जीरो एंड एक्स इज्कल टू एल दर द वॉल्स एट एक्स इजक्ल टू जीरो एंड एक्स इज्कल टू एल आर एल आर इमपेनेट्रेबल एंड वेन एवर द पार्टिकल रिचर्स टू these walls that is at x is equal to 0 and x is equal to l the particle is reflected back into the well or box suppose potential function V is a function of x is equal to infinite infinity जकल टू एक्स इज एट एक्स इज लेस दैन जीरो एंड अगेन एट एक्स इज ग्रेटर दैन एल दिस इज एक्स इज स्मॉलर दैन जीरो एंड एक्स इजकल टू एल इसके राइट में जो रीजन होगा वह रीजन एक्स इजकल टू एक्स इज ग्रेटर दैन एल और इस रीजन में पोटेंशियल कितना है पोडेंशियल जो कि एक्स का फंक्शन है भी पोडेंशियल फंक्शन पोटेंशियल सिंबल ऑफ पोडेंशियल इज भी इज द फंक्शन ऑफ एक्स इज इन्फिनिटी पोटेंशियल इन्फिनिटी है किस रीजन में एक सीज़ स्मॉलर देन जीरो क्योंकि हमने जो वाल्स इनफाइनाइट हाइट का सपोज किया है दो पोजिशन पर सीज़ इजकल टू जीरो पर एंड सीज़ इजकल टू एल पर और इन दोनों वाल्वस के बीच में क्या है वेल well है बॉक्स है जो कि इनफाइनाइट डेप्थ का है तो पोटेंशियल एक्स इजकल टू जीरो मतलब एक्स इजिकल टू जीरो एंड एक्स इजिकल टू एल के बीच इस रीजन में पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन में रिस्ट्रिक्टेड है तो जब भी पार्टिकल इन दोनों वॉल्स तक पहुंचेगा तो वह पार्टिकल इस वेल में इस बॉक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा दिस इज बॉक्स और वेल इन साइड द बॉक्स पोटेंशियल विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज कल टू जीरो Because we have the key, motion of the particle is restric restricted only along x axis, that is one dimensional case. So potential inside the box is 0, whereas potential uh, potential left to x is equal to 0, left to the valves, x is equal to 0, and uh, right to and uh, right to the valve, left to the wall and right to the valve also, potential is पोटेंशियल फंक्शन इज पोटेंशियल इज इन्फिनिटी, बट इन साइड द बॉक्स पोटेंशियल इज जीरो नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक पार्टिकली इन अ बॉक्स यूजिंग वेव इक्वेशन. सो पोटेंशियल फंक्शन आर गिवेन बाई भी एक्स कल टू इन्फिनिटी. राइट डाउन भी एक्स कल टू इन्फिनिटी एट एक्स इज अस्मॉलर देन जीरो एंड अगेन एटैक्स इजकअल टू जीरोज वन वाल एंड एट एक्स इजकअल टू एल्व देर इज अनदर वाल दिस इज वाल नंबर वन एंड वाल नंबर टू एंड अटैक्स इज ग्रेटर दैन जीरो पोटेंशियल इज इन्फिनिटी एटैक्स इज स्मॉलर दैन जीरो एंड लेफ्ट साइड में मतलब इस वाल के एक्स जो कि एक्स इजकल टू जीरो पर है उसके लेफ्ट में और फिर दूसरा सेकेंड वाल एक्स इजकल टू एल्व पोजीशन पर है उसके राइट right में भी पोटेंशियल कितना है इन्फिनिटी है जबकि बॉक्स के अंदर कितना पोटेंशियल है जीरो है सो लेट वी एक्स इजकअल टू इन्फिनिटी एट एक्स इज अस्मॉलर दैन जीरो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वी एक्स इजक्ल टू जीरो इन साइड द बॉक्स दैट इज जीरो इज स्मॉलर एंड इक्वल टू एक्स इज स्मॉलर एंड इक्वल टू एल मतलब एक्स इजक्ल टू जीरो एंड एक्स इजक्ल टू एल के बीच में जो कि बॉक्स है वेल well है इनफाइनाइट डेप्थ का पोटेंशियल वेल well है उसके अंदर पोटेंशियल क्या है उसके अंदर पोटेंशियल जीरो है नाउ यूजिंग सोडिंजर वेव इक्वेशन इन साइड द बॉक्स यूजिंग सोडिंजर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन साइड द बॉक्स दैट इज इन द रीजन एक्स इज कल टू जीरोल्व सोडिंजर वेव इक्वेशन इन साइड द बॉक्स दैट इज बिटवीन एक्स इजकल टू जीरो टू एक्स इजकल टू एल दैट इज जीरो इज लेस एन इक्वल टू एक्स इज लेस एन इक्वल टू एल इन इक्वालिटी के रूप में लिखा जा सकता है जो कि हम लोगों ने यूज किया दिस इज इक्वेशन नंबर दिस पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर वन तो सो सोड इंजर वे वन डायमेंशन सोड इंजर भी इक्वेशन इज एलोंग एक्स एक्सिस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस भी पोटेंशियल बॉक्स के अंदर पोटेंशियल कितना है जीरो है तो भी जीरो सो वी हैव ओनली ई माइनस भी पोटेंशियल इज जीरो साई इज्कल टू जीरो वेयर साईज द वे फंक्शन हेयर दिस इज दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट शोड इन यर बेबी क्वेशन वन डायमेंशनल दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस डी ए स्क्वायर साई बाई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ई माइनस भी होता है ई माइनस भी एनर्जी है माइनस uh, भी क्या है पोटेंशियल एनर्जी e क्या है कैनेटिक एनर्जी है तो ई माइनस भी तो भी पोटेंशियल चूंकि फंक्शन क्या है बॉक्स के अंदर जीरो है तो भी के जगह जीरो पुट कर दिए हाँ ब्रैकेट uh, के बाहर साई इजक्ल टू जीरो जीरोल टू जीरो इन साइड द बॉक्स राइट डाउन देयर फॉर वी हैव डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम टू एम एच क्रॉस स्क्वायर ई कैपिटल ई इंटू साई ई माइनस जीरो डेटी जी ए इंटू साई इजकल टू जीरो एंड और वी हैव डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर सपोज लेट इट इट एज अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साई इजक्ल टू जीरो एंड दिस इज इक्वेशन नंबर दिस इज इक्वेशन नंबर टू नाउ वी हैव टू नाउ द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इक्वेशन टू इज द इज अ फॉर इज अज अ डिफ्रेंशियल इक्वेशन सो General solution of this equation can be written as psi is equal to a into e to the power uh, a into a into A constant a into e to the power i uh, alpha x plus b another constant b is another constant e to the power minus alpha x. So, the general solution of equation 2 can be written as the general. सोल्यूसन ऑफ डिफेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफेंशियल इक्वेशन गिवेन बाई इक्वेशन टू डी ए स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फाइ स्क्वायर साई इज्कवल टू जीरो इज द जेनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेसन थ्री इक्वेशन टू इज गिवन बाई साई इक्वल्स टू ए टू दावर आई अल्फा एक्स प्लस बी अनदर कॉन्स्टेंट बी टू दी पावर माइ माइनस आई बी इंटू ई टू डी पावर माइनस आई अल्फा इंटू एक्स दिस इज यू क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर अल्फा इजक्ल टू अल्फा इजक्ल टू रूट अंडर टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर हमने यूज किया था अल्फा का वैल्यू वेर अल्फा स्क्वायर इजक्ल टू टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और देअ फॉर अल्फा इजकअल टू रूट अंडर टू एम ई अपॉन एच क्रॉस एच क्रॉस स्क्वायर नाउ प्रबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स इजकल टू जीरो एंड एक्स इज कल टू एल द टू वॉल्स ऑफ ऑफ इनफानाइट हाइट इज जीरो द प्रोबलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट नियर टू वॉल्स दैट इज एट एक्स इज कल टू जीरो एंड एक्स इज कल टू एल इज जीरो पार्टिकल बॉक्स के अंदर में है जैसे ही पार्टिकल दोनों वाल्स तक पहुंचेगा तो दोनों वाल्स के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के पुनः वेल में या बॉक्स के अंदर चला जाएगा तो इस प्रकार पार्टिकल के पाए जाने की संभावना द प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टू वाल्स दैट इज एट एक्स इजकल टू जीरो एंड एट एक्स इजकल टू एल इज जीरो कोई संभावना नहीं है पार्टिकल का पाए जाने की कहाँ एक्स इजकल टू जीरो पर और एक्स इजकल टू एल पर देअर फोर

The boundary conditions. Boundary conditions at two walls. That is at the position of two walls. That is at x is equal to zero and second value at x is equal to l. We have since the probability of finding the particle at x is equal to zero and x is equal to l at both places is zero. So wave function psi साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू जीरो एट एक्स इजकल टू जीरो एंड ऑल्सो साई एक्स दैट इज वेब फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू जीरो एट एक्स इजकल वेल दिस इज साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स इजक्ल टू जीरो एट एक्स इजकल टू जीरो सपोज इट इज इक्वेशन नंबर फोर एंड एंड साई एक्स इजकल टू जीरो एट एक्स इजकल टुवेल्व परिप पार्टिकल के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है सेकंड बाल पर के पास भी जहाँ पर सेकेंड बाल का पोजिशन है वहाँ पर भी जो तो कि पाटकिल बॉक्स के अंदर है तो इसे इक्वेशन नंबर फाइव सपोज किया जाए नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन गिवन बाई इक्वेशन फोर इन इक्वेशन टू इन द सोल्यूशन ऑफ सॉरी इन द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू विच इज गिवन बाई इक्वेशन थ्री साइज इक्वल टू ए कैपिटल ए ई टू दी पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा एक्स वेयर ए एंड बी आर Uh, two constants. So, using the boundary conditions uh, condition given by uh, 4 and then 5 in equation 3 we get so using the boundary condition given by equation 4 using equation 4 in equation 3 we get psi is equal to 0 a capital A e to the power i alpha x is equal to 0 therefore e to the power i e to the power 0 1 देयर फोर लेफ्ट साइड साई साइजल टू ऑल्सो जीरो साइ एक्स इजकल टू जीरो एट एक्स इजकल टू जीरो तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स इजल टू जीरो तो साई इज टू जीरो हो गया और यहाँ पर एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म में भी एक्स इजकअल टू जीरो और यहाँ बी ई टू दावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स तो उस टर्म में भी उस टर्म में भी एक्स इजल टू जीरो तो क्या बचेगा साई साइजल टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन टू थ्री का लेफ्ट हैंड साइड जब बाउंड्री कंडीशन फोर यूज़ करेंगे तो ए टू दी पावर जीरो डेट इज वन तो ए प्लस बी ई टू power पावर फिर माइनस आई माइनस आई अल्फ़ा एक्स इजकल टू जीरो तो ई टू पावर जीरो इजकल टू अगेन वन तो ए प्लस बी तो जीरो इजकल टू ए प्लस बी डेट इज बी इजकल टू माइनस ए कंडीशन यहाँ से इस बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन फोर में जो बाउंड्री कंडीशन है साई एक्स इजकल टू जीरो एट एक्स इजकल टू जीरो इसका यूज किया गया इक्वेशन थ्री में जो कि सोल्यूशन है डिफेंसियल इक्वेशन टू का तो so, हमें रिजल्ट क्या आया जीरो इजकल टू ए प्लस बी देयर फोर बी इजकल टू माइनस ए इसका यूज हम आगे करेंगे इनर्जी आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यू ऑप्टेन करने में तो देर फॉर बी इजकल टू माइनस ए एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन गिवेन बाई इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन थ्री सो यूजिंग नाउ यूजिंग नाउ यूजिंग इक्वेशन फाइव दैट इज गिवेन दैट इज द बाउंड्री कंडीशन गिवेन बाई फाइव दैट इज साई एक्स इजकल टू जीरो फिर पार्टिकल की पाए जाने की संभावना सेकंड वाल के पास सेकंड वाल के पोजिशन पर एक्स इजकल टू एल पर भी क्या है जीरो है तो साई एक्स साई द फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू जीरो एट एक्स इजकल टू एल तो जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ इक्वेशन थ्री में जहाँ एक्स है वहाँ पर एल पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड फिर क्या होगा एट एक्स इजकल टू एल्व साई टू जीरो यूजिंग इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन इन इक्वेशन थ्री वी गेट एल इज जीरो साई इजकअल टू जीरो ए कैपिटल ए टू द पावर आई अल्फा और एक्स इजकल टू एल प्लस बी बी इजकल टू कितना है अब सिक्स में हमें टेन किया है बी इजकल टू माइनस ए तो यहाँ पर बी के जगह पर क्या पुट कर देंगे माइनस ए माइनस ए और ई टू दी पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स है तो ई टू दी पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स के जगह पर फिर क्या पुट कर देंगे एल पुट कर देंगे एल एच एस क्या है जीरो साइजकल टू जीरो पार्टिकल की पाए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट at the position of the second wall x equal to l is also zero so we have the relation is the equation matlab मतलब equation 3 becomes 0 equal to a e to the power i alpha l x ke jagah uh, exponential term mein bhi l put kiya aur b ke jagah minus a put kar diya substitute kiya equation 6 se to relation hamara kya aaya a e to the power i alpha l और plus minus minus हो जाएगा a into डी पावर इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म सेकेंड में क्या है नेगेटिव है a common हो जाएगा दोनों में so we have now we have फर्दर वी हैव और ए टू दी पावर ए जीरो इजकल टू ए कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म में प्लस माइन सेकेंड टर्म बीच मिड ये जो प्लस आइन है बीच में आर एच एस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ए टू दी पावर आई अल्फ़ा एल माइनस ई टू दी पावर माइनस आई अल्फ़ा एल ये हो गया और यहाँ पर एक ट्रिकोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज होगा तो और जीरो इजकल टू ए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ई टू पावर माइनस आई एक्स आई एक्स ई टू पावर माइनस आई थीटा सॉरी ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा इजकल टू टू आई साइन थीटा टू आई साइन थीटा तो यहाँ पर टू आई टू आई कितना हो जाएगा टू आई साइन टू आई साइन अल्फाइल हो जाएगा थीटा या एक्स की जगह कितना है अल्फाइल है तो यहाँ पर हो जाएगा टू आई ट्रोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज किए साइन Uh, sin um, alpha l 2i sin alpha l therefore our l left hand side is 0 therefore uh, uh, a into 2 sin a into 2 i a that is 2 i a sin alpha a alpha l is equal to 0 now we have uh, since a cannot be equal to 0 constant a cannot be equal to 0 so we have uh, द रिजल्ट इज साइन अल्फा एल इजकल टू जीरो बिकॉज दिस टू आई ए ए कैनोट बी इक्वल टू जीरो एंड टू आई इज ऑल्सो कैनॉट वी इक्वल टू जीरो देयर फोर वी हैव देयर फोर वी हैव साइन अल्फा एल इजकल टू जीरो और इसका जनरल वैल्यू साइन अल्फा एल इजकल टू जीरो देर फोर अल्फा एल इजकल टू एन पाई एन पाई यूजिंग द फॉर्मुला ऑफ जोमेट्रिक देर फोर अल्फा इजकल टू यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया एन पाई अपॉन एल एल क्या है बॉक्स का लेंथ है बॉक्स का लेंथ है वेल का लेंथ है एक्स इजकल टू जीरो से एक सजकल टू एल्थ तक पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में है बॉक्स के अंदर तो अल्फा इजकल टू एन पाई बाई एल एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स तक है सेवन हो गया यहाँ अल्फा का वैल्यू यहाँ भी है. पहले भी हमने uh, यूज़ किया था अल्फा स्क्वायर टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर देयरपुर अल्फाइजल टू रूट अंडर टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर तो अल्फ़ा का वैल्यू हमने ऑप्टेन कर लिया और अल्फा का वैल्यू फिर कितना है यहाँ से यहाँ है बोर्ड पर अल्फ़ा स्क्वायर टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं अल्फा के दोनों वैल्यूज़ को देयर फोर वी हैव और ऑल्सो अल्फ़ा इज इजकल टू रूट अंडर टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर देयर फोर वी हैव अल्फ़ा इज इजकल टू लिख सकते हैं अल्फ़ा वी कैन राइट अल्फा इज इजकल टू एन पाई बाई एल एंड अल्फ़ा इज इजकल टू रूट अंडर टू एम ई टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर स्क्वायर इजकल टू टू एम ई बाई एच स्क्वायर। शुरू में ही हमने शोट इंजर इक्वेशन में टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर सपोज किया था देर अल्फा अल्फाइजक्ल टू रूट अंडर टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर तो ये हो गया अब दोनों तरफ स्क्वायर इस डेयर फोर क्या आदि रिजल्ट क्या हो गया दोनों अल्फाई दोनों अल्फा के वैल्यू को इक्वेट कर दिए देर फोर एन पाई बाई एल इजकल टू रूट अंडर टू एम ई कैपिटल ई अपॉन एच क्रॉस एच क्रॉस स्क्वायर

स्क्वायर रूट हट स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएगा तो केवल हम टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इजकल टू टू एम ई एच क्रॉस स्क्वायर हमें क्या मालूम करना है ई e का वैल्यू एनर्जी आइजन वैल्यू मतलब माने इनर्जी वैल्यू माने इनर्जी आइजन वैल्यू हमको मालूम करना है किसका एनर्जी का तो एनर्जी आइजन वैल्यू मालूम करना है तो आइजन मीन्स प्रॉपर और ई इजकल टू n square pi square h cross square by cross multiplication upon 2m l square or we know h cross is equal to h by 2 pi therefore we have n square pi square uh, upon 2m l square capital L square h cross is h upon 2 pi the whole square now after uh, now we have to

टू एम एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर अपन एच बाई टू पाई एच क्रॉस का वैल्यू एच एच अपॉन टू पाई एच इज प्लांग कॉन्स्टेंट सो एच क्रॉस एच स्क्वायर अपन फोर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया अब क्या आ गया रिजल्ट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू इंटू फोर डेट इज एट एम एल स्क्वायर और यह एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ गया ए एन एज टू एन का वैल्यू क्या होगा एन का वैल्यू वन टू थ्री एन का वैल्यू जीरो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है एन का वैल्यू कितना होगा डिस्क्रिक्ट एनर्जी लेवल आएगा एन इजकल टू वन टू थ्री वैल्यू रखने पर तो एन का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है एन का वैल्यू जीरो होने पर क्या होगा बे फंक्शन का जो टर्म है वही ज़ीरो हो जाएगा बे फंक्शन का जो टर्म है साइजिकल टू ए टू दी पावर अल्फा आई ई टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स तो वह e e e तो फंक्शन ही उसमें एन का वैल्यू जीरो करेंगे तो साइजिकल कर टू तो साइज कल टू क्या हो जाएगा उसमें साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स का टर्म है तो वे फंक्शन ही जीरो हो जाएगा सो एन इज एन इजकल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल सो एनर्जी हो गया पार्टिकल इन बॉक्स के केस में इनर्जी जो होगा एन एथ पार्टिकल की एनर्जी जो होगा एन एच डिस्क्रिट लेवल के लिए कितना हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट पाई ए सॉरी एट एम एल स्क्वायर ए एन इज इजकल टू दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स तक था इक्वेशन दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन वेयर एन इजकल टू एन का वैल्यू भी पॉसिबल वैल्यूज एन इजकअल टू वन टू थ्री फोर सभी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं केवल एन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो इन डैट केस साई इजक्वल टू जीरो इफ़ एज एन इजकअल टू जीरो देन बे फंक्शन विल बी ज़ीरो सो वैल्यू एन इजकल टू जीरो कैन नॉट भी पॉसिबल सो एनर्जी आइजन वैल्यू तो इससे अपटेन कर सकते हैं अब एन इजकल टू वन रखने पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर एच मतलब एन इजकल टू वन तो क्या हो जाएगा इफ़ एन इजकल टू वन तो ई वन इजकल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर एन इजकल टू टू तो ई टू इजकल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इन टू टू स्क्वायर एन स्क्वायर टू स्क्वायर डेट इज फोर तो फोर अपॉन एट डेट इज टू तो नीचे हो जाएगा टू एच स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर फिर एन इजकअल टू थ्री तो थ्री स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर एन इजक्ल टू थ्री ई थ्री टू थ्री स्क्वायर एन इजक्ल टू थ्री है तो थ्री स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर इस ढंग से हम डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज आइजन वैल्यूज हम ऑप्टेन कर सकते हैं पार्ट फॉर द पार्टिकल इन ए बॉक्स नाउ वी हैव टू ऑपटेन आइजन फंक्शंस फॉर द आइजन फंक्शन वी हैव सोल्यूशन ऑफ सोडिंजर वेफ इक्वेशन फॉर द पार्टकि इन अ बॉक्स इज विच वाइज गिवेन बाई इक्वेशन नंबर थ्री साइज गल टू ए टू डी पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई टू डी पावर माइनस अल्फा एक्स तो नाउ आइजन फंक्शन के लिए ये तो आइजन वैल्यूज हो गया नाउ फॉर द आइजन फंक्शन्स फॉर द पार्ट किल इन अ बॉक्स आईजेन फंक्शंस के लिए और बे फंक्शन के लिए साइएन साइन दट इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ दर वेफिक्वेशन इज गिवन बाय साइज़ टू ए ई टू डी पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी ई टू डी पावर माइनस आई अल्फा एक्स नाउ वी हैव ऑलरेडी ऑप्टेंड बी इज गल टू माइनस ए सो सब्स्टिक्यूटिंग बी इजकअल टू माइनस ए साई इजकल टू ए ई टू दी पावर आई अल्फ़ा एक्स प्लस बी इजकल टू माइनस ए तो बी की जगह माइनस ए सब्स्टिक्यूट कर दिया गया रिप्लेस कर दिया गया ई टू दी पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स और साई इजकअल टू ए टू दी पावर आई अल्फ़ा एक्स प्लस माइनस माइनस ए ई टू दी पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स ए कॉमन हो जाएगा इस टर्म में ए कॉमन होकर के ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा एक्स और फिर माइनस ई टू दि पावर माइनस आई माइनस आई अल्फा एक्स तो फिर ट्यूमेट्रिक का वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ किया था ई टू दी पावर माइनस आई एक्स या ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा इजकल टू टू आई साइन थीटा यहाँ पर ये कॉमन हो गया ए दोनों टर्म में बी इजकल टू माइनस ए सब्सिट्यूट करने पर ए ई टू दी आई अल्फा एक्स माइनस ई टू दि माइनस आई अल्फ़ा एक्स इजकल टू ए और ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर प्लस आई अल्फा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई अल्फा एक्स इजकल टू टू आई साइन अल्फा एक्स यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द ट्रिगोमेट्री अगेन द सेम फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी यूजड इन दिस टॉपिक अर्लियर सो साई इजकल टू कितना हो गया ए टू आई ए वी कैन राइट इट एज साई इजकल टू और वे फंक्शन साईज इजकल टू टू आई ए इंटू साइन अल्फा एक्स नाउ टू ईजनदर कॉन्स्टेंट ए इज कॉन्स्टेंट एंड टू ई टू टू ईज आलो कॉन्स्टेंट सो टू कल टू सपोज लेट इट ए लैश साइन अल्फा एक्स दिस इज द वे फंशन सी कल टू ए डैश साइन अल्फा एक्स वेर टू ऐजल टू ए डैश वी हेव टेकन टू ई एजल टू ए डैश ना we have to find the value of a as using the uh, normalization condition using the normalization condition because the probability of the uh, for, because the probability of finding the particle inside the box is 1 1 means 100% so we can uh, using now using the normalization condition we can obtain uh, the uh, eigen function that is the wave function eigen uh, बे फंक्शन साइज इज कल टू विच विच वी हैव ऑलरेडी ऑप्टेन हेयर साइज एस साइन अल्फा एक्स और अल्फा का वैल्यू कितना था अल्फा का वैल्यू एन पाई वाई एल यहाँ वी कैन राइट हेयर फॉर साइज साइज फंक्शन ऑफ एक्स इज कल टू ए डैश साइन अल्फा एन पाई अपॉन एल इन टू एक्स दिस इज इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर एट वेयर वी है ये तो कॉन्स्टेंट टर्म था ही ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट टू आई भी कॉन्स्टेंट टर्म है तो टू आई इजकल टू ए डैस ये माना है से तो साइजल टू कितना हो गया ए डैस साइन अल्फा एक्स तो अल्फ़ा का वैल्यू एन पाई वाई एल इंटू एक्स अल्फा इजकल टू एन पाई एन पाई अपॉन एल जो हमने पहले ही अर्लियर इसमें इस टॉपिक में ऑप्टेंट किया था अब हम ए डैस का वैल्यू अगर ऑप्टेंट कर लेते हैं तो ए डैस का वैल्यू ऑप्टेंट कर लेने के बाद यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो हमको कंप्लीट मतलब वे फंक्शन का वैल्यू साई एन एक्स मालूम हो साइएन साई भी एक्स का फंक्शन है वह मालूम हो जाएगा अब फिर इनका डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एन एच टू वन एन एचकल टू टू एन एच टू थ्री के लिए डिफरेंट वे फंक्शन को हम जो आइजन फंक्शंस फंक्शन होगा उसको अपटेंड कर सकते हैं तो नाउ यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन नाउ यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्यों करना है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्योंकि बॉक्स के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कितनी है वन है डैट इज हंड्रेड परसेंट है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी हैव क्या होता है साई एन स्टार साई डैट इज साई स्टार साई साई स्टार साई डिटो या डी एक्स इक्वल टू जीरो वन डायमेंशन केस है कहाँ से कहाँ तक बॉक्स के अंदर मतलब जीरो ट्वेल्व बॉक्स का लेंथ कितना है जीरो ट्वेल्व साई एन एक्स साई एन एक्स साई एन एक्स स्टार साई साई स्टार डी एक्स इजकअल टू वन एक्स का वैल्यू है साई एन एक्स साई है यहाँ ए डैस साइन एन पाई एल वाई एक्स और कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिज ऑल्सो सेम टर्म तो ए डैश साइन एन पाई एल अपॉन इन साइन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स तो ए डैस इंटू ए डैस क्या हो ए स्क्वायर हो जाएगा तो जीरो वी हैव जीरो जीरो टूएल्व ए डैस स्क्वायर जो कि इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साई एन एक्स और साइन साई एन साई एन एक्स स्टार तो साई एन एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार है तो यहाँ पर तो साई एन स्टार भी उतना ही है, सेम है तो ए डैस साइन एन पाई एल इंटू एक्स तो रियल uh, टर्म के लिए तो ए डैस स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एन पाई बाई एल इंटू एक्स इजकअल टू वन साइन और साइन स्टार्ट का जो प्रोडक्ट है तो एड एस स्क्वायर इंटीग्रल जीरो टू एल्व एड एस स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल इंटू एक्स इजक्ल टू वन और a एस स्क्वायर को कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर कर लें जीरो टूएल्व इंटीग्रल साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स इजक्ल टू वन अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल इसको हम मल्टीपल एंगल के रूप में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है तो साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू वन बाई टू फैक्टर हो जाएगा वन बाई टू एक टर्म होगा दो टर्म हो जाएगा तो कॉस टू एक्स कॉस मतलब यहाँ पर कॉस कॉस टू एन पाई बाई एल इंटू एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वह कितना होगा जीरो टू डिफरेंट इंटीग्रल के बीच में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो केवल फर्स्ट टर्म बचेगा वन माइ वन साइन स्क्वायर एन पाई एक्स इंटू इंटू एक्स साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल इंटू एक्स इजकल टू वन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एन पाई कितना यहाँ पर डी एक्स टर्म छुट रहा है साइन एन स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल इन एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू वन इंटीग्रल में है यहाँ पर भी डी एक्स टर्म छुट रहा है तो डी एक्स यहाँ पर भी आर एच एस में कितना हो गया वन हो गया अब साइन स्क्वायर को हम क्या करेंगे कॉस के टर्म में मैंने वन माइनस कॉस टू वन माइनस कॉस टू और टर्म है एन पाई एल अपॉन एक्स डी एक्स इजकल टू वन तो कॉस टू कॉस टू क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स का मतलब है एन पाई एल अपॉन एल इंटू एक्स का जो इंटीग्रल होगा जीरो एल डिफरेंट इंटीग्रल तो कितना हो जाएगा जीरो जो हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल में कैलकुलेट भी करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो तो केवल वन इंटू डी एक्स दैट इज फर्स्ट टर्म बचेगा वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा और लिमिट जीरो ट्वेल्व और टू टर्म होगा वन मैंने टू टर्म है प्रजेंट तो क्या हो जाएगा ए डैश इसका इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा और ए डैश स्क्वायर इंटू इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो डी एक्स का एक्स हो गया और टू टर्म है केवल और सेकेंड टर्म कॉस वाला जो टर्म है कॉस टू एन पाई एल अपॉन एक्स डी एक्स जीरो टू एल डिफरेंट इंटीग्रल उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ए डैश स्क्वायर और डिफरेंट इंटीग्रल डी एक्स का एक्स तो एल माइनस जीरो डैट इज एल बाई टू और नीचे में डिनोमिटर वन बाई टू फैक्टर है तो डी uh, का एक्स हो जाएगा इंटीग्रल डिफरेंट इंटीग्रल जीरो टू एल्व तो एल ही हो जाएगा और चूंकि वो हाफ टर्म है वन बाई टू टर्म है तो एल बाई टू हो जाएगा तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू एल बाई टू इजकल टू वन देर फोर का वैल्यू आ गया एड का वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर टू बाई एल रूट अंडर टू बाई एल एड जो कॉन्स्टेंट है जो हमने यूज किया था टू आई ए के बदले में वी हैव ऑलरेडी टेकन टू आई ए इजकल टू एड एस तो एड का वैल्यू आ गया रूट अंडर टू बाई एल अब इसका वैल्यू को पुट कर लिया जाए एक, इक्वेशन नंबर नाइन अब इसके इसके वैल्यू को सब्टीट्यूट कर दिया जाए किसमें इक्वेशन एट में जो बेब फंक्शन का एक्सप्रेशन था साई इजकअल टू ए डैस साइन एन पाई एल इन टू एक्स उसमें पुट कर दिया जाए तो हमें फाइनल रिजल्ट बेब फंक्शन का साई एन एक्स आ जाए मालूम हो जाएगा तो सब्सिट्यूटिंग एड एस इजक्ल टू रूट अंडर टू बाई एल जो कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके ऑप्टेन किया उसको पुट करेंगे किसमें इक्वेशन एट में तो पुटिंग इज इजक्ल टू रूट अंडर टू बाई एल इन इन विच इक्वेशन इक्वेशन नंबर एट इन इक्वेशन एट वी गेट वी गेट साई एन एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वे फंक्शन साई एन एक्स साई एन इज द फंक्शन ऑफ एक्स तो ब्रैकेट में एक्स को लिखा एट एक्स का वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर टू बाई एल साइन अब टर्म क्या है रिमेनिंग टर्म साइन एन पाई साइन एन पाई अपॉन एल इन टू एक्स एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर आई एम फॉर विद द वेब फंक्शन फॉर द पार्ट के लिए बॉक्स साई एन एक्स तो इज्कअल टू रूट अंडर टू बाई एल साइन एन पाई बाई एल इं टू एक्स अब इसमें भी एन का वैल्यू वन टू थ्री पुट करके हम डिफरेंट वेब फंक्शन ऑप्टेंड कर सकते हैं फॉर द पार्ट के लिए बॉक्स इफ एन इजक्ल टू वन तो साई वन एक्स इज्वल टू रूट अंडर टू बाई एल साइन एन पाई बाई एल साइन एन पाई बाई एल हो जाएगा तो फिर जब एन इजल टू टू होगा तो यहाँ पर रूट अंडर टू बाई एल साइन टू पाई बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा जब एन इजिकल टू थ्री होगा फिर यहाँ पर भी डिस्क्रिक्ट वैल्यूज होगा फंक्शन का भी जैसा कि एनर्जी का भी ए, ए एन का भी डिस्क्रिक्ट वैल्यू था एन इजल टू वन टू थ्री पुट करने पर तो साइ एन थ्री हो जाएगा एक्स रूट अंडर टू बाई एल साइन थ्री पाई बाई इंटू एक्स इस प्रकार ये यह कंप्लीट हुआ पार्ट लिए ना बॉक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उसके इनर्जी को और फिर उसके बे फंक्शन को भी और नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड और एक बार फिर से मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि यह टॉपिक मतलब पार्टकि बॉक्स और पार्टिकल इन एन इन पोटेंशियल वेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बी एस सी पार्ट थ्री फिजिक्स ऑनर्स तथा बी एस सी पार्ट थ्री फिजिक्स जनरल दोनों कोर्सेस में इंक्लूडेड है और इसे प्राय पूछा जाता है यूजुअली पूछा जाता है फिजिक्स के पेपर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएसन कोर्सेस बी एस सी पार्ट थ्री फिजिक्स पेपर फिजिक्स ऑनर्स एंड फिजिक्स जनरल कोर्सेज में uh, इस टॉपिक को बार बार पूछा जाता है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थैंक यू वेरी मच